हेलो गाइस, वेलकम टू हिस्ट्री ऑफ फ्यूचर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हिमाचल प्रदेश में निकली नई वैकेंसीज़ के बारे में। इनकी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी शिमला में ये वैकेंसीज़ निकली हैं, जिसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरना शुरू होंगे 27 जून से और लास्ट डेट है 20 जुलाई 2022। टीचिंग एंड नॉन टीचिंग दोनों तरह की वैकेंसीज़ है यहाँ पर, जिसमें पहली है रिसर्च एसोसिएट लॉ की एक वैकेंसी, 40,000 पर मंथ सैलरी, 2500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी होगी। यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अंतर्गत जो इसमें रेगुलेशंस हैं उसके अंतर्गत जो एजुकेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं वही इसमें फॉलो की जाएंगी। हॉस्टल वार्डन की है 2 वैकेंसीज़, एक मेल और एक फ़ीमेल के लिए 50,000 पर मंथ सैलरी, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री होनी चाहिए जिसमें 55% मार्क्स हों और वर्किंग एक्सपीरियंस किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में होना चाहिए मिनिमम 1 साल का, और प्रेफरेंस उनको दी जाएगी जिसकी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी लॉ में। सिक्योरिटी गार्ड मेल के लिए हैं 15 वैकेंसीज़, 10th पास आप होने चाहिए, 1200 रुपये इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस होगी। SC OBC एंड EWS के लिए रहेगी 600 रुपये फ़ीस। इसके लिए अदर इंस्ट्रक्शंस की बात करें, 18 से 45 के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है ऑनलाइन, जिसके लिए आपको जाना है hpnlu.ac.in के ऊपर। तो ये था गाइज आज की इस वीडियो में। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।